आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज हम जानेंगे विवाह विच्छेद तलाक के आधार हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत वे आधार बताए गए हैं जो पति पत्नी यानी दोनों को प्राप्त हैं और वे आधार जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं। तो साथियों प्राचीन काल में विवाह विच्छेद के संबंध में कोई भी ऐसी विधि नहीं थी, कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। विवाह 7 जन्मों का अटूट बंधन माना जाता था। कुछ समुदायों में विवाह विच्छेद था। 1955 में ये अधिनियम बना और उसमें जो है विवाह विच्छेद का एक कानून बना। तो अब हम देखते हैं वे आधार जो दोनों यानी पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। नंबर एक, जारता। यदि कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में रहता है, उससे किसी प्रकार की अनैतिक या कह लीजिए कि संभोग करता है, तो पत्नी को ये अधिकार बनता है, ये आधार प्राप्त होता है विवाह विच्छेद का। यदि पत्नी यदि स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ ऐसा कार्य करती है तो पति को ये आधार प्राप्त हो जाता है। अब नंबर दो, अभित्याग। यदि पत्नी पति को छोड़कर कहीं 2 वर्ष तक रहती है तो ये अधिकार पति को प्राप्त हो जाता है। और यदि पति पत्नी को छोड़कर 2 वर्षों तक रहता है तो ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, क्रूरता। यदि दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, क्रूरता करता है, मारता पीटता है, चाहे वो पत्नी पति को मारे या पति पत्नी को मारे, तो जो क्रूरता करता है उससे जिसके साथ क्रूरता होती है उसको ये आधार प्राप्त होता है। ये क्रूरता साथियों 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक और शारीरिक, दूसरी जो है शारीरिक होती है। तो साथियों ये मानसिक क्रूरता में एक ऐसा होता है जो अंतर्द्वंद होता है उसके मन में होता है, और शारीरिक क्रूरता ये परिलक्षित होती है जैसे मारना पीटना, चोट आ जाए, इस प्रकार की क्रूरता करता है या किसी के ऊपर आरोप लगाता है, पत्नी पर आरोप लगाता है और पत्नी पति पर आरोप लगाती है। तो इस प्रकार की क्रूरता यदि होती है कोई करता है तो दूसरे को ये आधार प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, धर्म परिवर्तन। यदि पत्नी धर्म परिवर्तन कर लेती है तो पति को आधार प्राप्त हो जाता है। यदि पति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं मानसिक विकृति। यदि पति मानसिक रूप से पागल है या दिवालिया है तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है। यदि पत्नी पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो पति को ये आधार प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं नंबर 6, रतिजन्य रोग। रतिजन्य का रोग क्या होता है साथियों? ये जब किसी से पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति किसी दूसरे से मैथुन करता है तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे रतिजन्य रोग कहते हैं। जैसे आपका HIV, यदि दोनों में से कोई एक HIV से पीड़ित है तो दूसरे पक्ष को ये आधार प्राप्त हो जाता है। नंबर 7, कोढ़। यदि पत्नी को कोढ़ है तो पति को यह आधार प्राप्त हो जाता है। यदि पति को कोढ़ है तो पत्नी को यह आधार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक संसार का परित्याग। संसार का परित्याग का मतलब है कि यदि पत्नी कोई कह लीजिए कि साधु संत महात्मा का रूप धारण कर लेती है और घर छोड़कर चली जाती है तो पति को ये आधार प्राप्त हो जाता है।
यदि पति साधु संत महात्मा हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो ये आधार पत्नी को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रकल्पित मृत्यु। प्रकल्पित मृत्यु का मतलब होता है जब पत्नी कहीं गायब हो जाए और 7 वर्षों तक वो ना आए, तो उसे ये मान लिया जाता है कि वो मर चुकी है। यदि पति कहीं चला जाता है और 7 वर्षों तक वापस नहीं आता है, तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है और ये मान लिया जाता है कि पति मर चुका है। उसके बाद देखते हैं न्याय पृथक्करण। यदि किसी न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को किसी कारणवश किसी वाद के दौरान अलग रखा जाता है, तो ये साथियों 2 साल तक अगर अलग रखा जाता है न्यायालय द्वारा, कोई आदेश इस प्रकार का होता है कि दोनों पत्नी अलग रहेंगे, तो ये आधार प्राप्त हो जाता है विवाह विच्छेद का। उसके बाद हम देखते हैं वे आधार जो केवल पत्नी को दिए गए हैं। नंबर 1, पति द्वारा बहुविवाह। यदि पति बहुविवाह कर लेता है, उस विवाह के अलावा दूसरा विवाह कर लेता है, तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है विवाह विच्छेद का। नंबर 2, पति द्वारा बलात्कार। यदि पति किसी अन्य महिला के साथ बलात्कार करता है, तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है। भरण पोषण। यदि पति पत्नी के भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है। विवाह का निराकरण। विवाह का निराकरण का मतलब है यदि पत्नी नाबालिग थी और पति बालिग था, जिससे उसकी शादी हुई है वो बालिग था, तो पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है विवाह विच्छेद का। तो साथियों, हमने आज जाना और समझा विवाह विच्छेद तलाक के आधार हिंदू विधि, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत वे आधार जो दोनों को प्राप्त हैं, यानी पति पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, और वे आधार जो केवल पत्नी को ही प्राप्त हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूवर्स नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।